वन अलीजे के टाइम पे भी अजान के भी टाइम 71 मेरे लिए मनहूस केजी है. 71 kg पे आके मैं हमेशा मतलब दो दफा हो चुका है लाइफ में ऐसे में स्टक हो जाती हूँ. 3 महीने गुजर गए डॉक्टर साहब, मैं एक एप्पल पे आ गई. एक पूरे दिन में मैं एप्पल खा रही हूँ डिप्रेशन में. सेकंड मंथ में ये ना महीना पूरा महीना यार मेरे 1 pound नहीं गिर रहा, क्या हो गया? एप्पल पे आ गई, एक केले पे आ गई, दूध का ग्लास पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ सिर्फ ये ग्रीन टी या ये ब्लैक टी कॉफी. मजाले भीट हिले कांता ना हिले. मैंने कहा ना, और मैं अगेंस्ट हूँ सर्जिकल प्रोसीजर्स दवाइयों वगैरह के. तो मैंने कहा मैं क्या चीज कराऊं. मैंने हिप्नोसिस कराया, पढ़ा उसके बारे में कि somebody had lost weight through hypnosis. मैं कहा करके देखते हैं क्या. आरजे को मैंने क्लब वगैरह भी नहीं ज्वाइन करना, मैं पता हूँ मुझे लू बनाना है. ये जो वेट लॉस के क्लब हैं बकायदा मामू बनाते हैं, नाम नहीं लूंगी आप समझ होंगे, पैसे जाया होते हैं आपके. और आप 1 kg कम भी कर लें देन इट कम्स बैक. नहीं होता था डॉक्टर साहब 1 pound नहीं. थ्रू हिप्नोसिस पहली ही मेरे सेशन में इन द फर्स्ट वीक मेरे 6 pound गिरे. अब से मान गए. अमेजिंग. अब बताएं व्हाट इज हिप्नोसिस और मेरे साथ क्या हुआ. ओके हुआ ये बेसिकली हिप्नोसिस के बारे में अभी रिसेंटली एक बड़ी अमेजिंग न्यूज आई थी. हार्ले स्ट्रीट लंदन के ऊपर एक हिप्नोथेरेपिस्ट ने एक खातून पे काम किया और वो बड़ा न्यूज़पेपर में भी आया, वहाँ के गार्डियन वगैरह में भी आया, बड़ा मशहूर, नेट पे भी बहुत आया इसके बारे में. द लेडी लॉस आई डोंट नो हाउ मेनी पाउंड्स इन 6 months विदाउट डूइंग एनीथिंग. ओके नाउ हिप्नोसिस से होता क्या है. बेसिकली वेट रिडक्शन के 3 stages हैं. फर्स्ट स्टेज में आप ठकाठक वेट जाता है आपका, आपका बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो निकलता है. आप प्रोटीन डाइट पे चली जाए आपका वेट 8-10 pound से भी शायद ज्यादा भी गिर जाता है. मसला आता है सेकंड स्टेज पे. सेकंड स्टेज पे बॉडी रिजिस्ट करता है, आपका वेट नहीं गिरने देता. अब वेट नहीं गिरने देता तो यहां पे आपको डिप्रेशन का एक फेज शुरू हो जाता है. जब डिप्रेशन का फेज शुरू हो जाता है तो आपको पता है वेट गेन में ओबेसिटी में कुछ एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. डिप्रेशन अगर आपको है तो आप वेट पुट ऑन करना आसान है और गिराना बहुत मुश्किल है. अगर ग्लैंडुलर प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है तो बड़ा मसला हो जाता है. इस तरह बहुत सारे सेडेटरी लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह. मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, मैं क्यों वेट कम करूं, किसके लिए करूं, मुझे क्या फायदा होगा. अच्छा जब वेट बहुत ज्यादा होता है लो सेल्फ एस्टीम जी, पुअर सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. हमारे यहाँ खवातीन शादी हुई उसके बाद बच्चा, पहला बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो साइड से फूलना शुरू हो जाती है. अब तो असीब देखें, जो लड़का जीता बिल्कुल वो 86 का वेट था जब वो ऑडिशन पे आया, शो में ही वाज अबाउट 75. इसको इतने ताने इसी ने पड़े, लोग टारगेट सबसे ज्यादा इस पे करते हैं, उसको इतना फील हुआ कि अब वो 70. होता ही है कि हमारे घरों में, क्योंकि हमारी हमारी प्रोग्राम जो खवातीन देखती है मॉर्निंग शो, उनके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, बल्कि उनके हस्बैंड्स के लिए, कि अगर आप देखेंगे आपकी वाइफ का वेट बढ़ा है तो आप उसको मोटिवेट करें, उसको इंस्पायर करें. आप इंस्पायर नहीं करते, आप उसको मोटिवेट नहीं करते, सब हस्बैंड, तो हस्बैंड को बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपकी वाइफ के लिए कोई ऐसा जज्बा मुहर्रका नहीं है, कोई कोई नीड नहीं है कि मैं लूज करूं. मगर अगर आपका हस्बैंड आपको मोटिवेट करे, आपके घर वाले करें, सास करें, आपकी अपनी पेरेंट्स करें, तो आप वेट लूज करेंगे. तो सेकेंड स्टेज पर वेट स्टक हो जाता है. यहाँ हिप्नोथेरेपी काम आती है. मोस्ट इफेक्टिव चीजें दो देखी है दुनिया में, हिप्नोथेरेपी एंड रेकी. अब ये देखिए ना डॉक्टर साहब, हुमा है, इनका टेक्स्ट आया है. अच्छा हुमा का फोन भी आया और एक और बिल्कुल सिमिलर वैसी बात आई कि जी मेरी मोटिवेशन खत्म हो जाती है. हुमा देखते हैं क्या कहती है, उनका भी ऐसा ही मसला है. हुमा फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हुमा. या टिप टॉप मजे में, बताएं आप क्या कहेंगी. कुछ नहीं यार, सब सबका वेट इशू है, मेरा भी वही इशू है, तो उसी के बारे में डिस्कस करना था. जी बताएं आपका क्या इशू है. कम नहीं होता है, 7-8 kg कम हो जाता है, उसके बाद स्टक हो जाता है. फिर मैं भी हिम्मत हार जाती हूँ कि भैया बहुत कम नहीं हो रहा तो क्या करें. 7-8 kg कम होता है और उसके बाद डॉक्टर एम डॉक्टर एम तो मतलब दोबारा फिर उसके बाद चढ़ भी जाता है या ये यू कीप इट ऑफ. नहीं नहीं चढ़ जाता है, फौरन चढ़ जाता है. अगर मैं 1 हफ्ता भी छोड़ती हूँ ना तो वो फौरन चढ़ जाता है. किस तरह कम करती हैं आप, प्रोटीन डाइट से? मैं डाइटिंग भी करती हूँ, डाइटिंग भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ. सो ना डॉक्टर साहब, यो यो वेट बिल्कुल सही, डाइट एक्सरसाइज करने के बावजूद वेट नहीं गिरता ना. जी वापस आ जाता है उसके बाद. एक्सरसाइज नहीं करती वैसे आप, सिर्फ डाइट करती हैं? नहीं नहीं एक्सरसाइज भी करती हूँ, 2-3 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन उसके बाद ये होता है कि अगर मैं छोड़ती हूँ तो मेरा फौरन से फिर बढ़ भी जाता है. अच्छा हुमा, अगर आपका फिटनेस एज टेस्ट किया जाए, आपको क्या लगता है आपकी एज कितनी आएगी उसमें? ईमान से मतलब ईमानदारी से बताओ. हाँ अगर मेरी 67 आई है फिटनेस एज टेस्ट में, जो शुरू में हम बात कर रहे थे, आपने सुना था?
नहीं एक्चुअली लाइट नहीं है ना, तो मैं बिल्कुल आज का प्रोग्राम मिस कर रही हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। प्लीज रात को जरूर रिपीट में देखना, तुम्हें समझ आएगी बड़ी जरूरी बात हमने की थी। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब। लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड हिप्नोसिस के थ्रू वो कैसे हेल्प? हिप्नोसिस दो चीजें होती है, नंबर वन एक तो मोटिवेट करता है आपको। हिप्नोसिस में जब आप कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके, सब कॉन्शियस आपकी मेन चीज है। मैं तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस वक्त पाकिस्तान में एक फिल्म है इंसेप्शन, वो जरूर देखिए। समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आम आदमी के समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इंसेप्शन के अंदर जो बात की गई वो ये बात की गई है कि जो हमारी ख्वाब की दुनिया है वो इतनी बड़ी है और उसमें इतनी लेयर्स और डायमेंशंस हैं कि आपको अंदाजा नहीं, क्योंकि नींद में आप बेहोश होते हैं इसलिए आपको पता नहीं है। तो इंसेप्शन फिल्म जो है वो पूरी की पूरी इस बात पर है कि आप किसी को ख्वाब दिखा भी सकते हैं, किसी के ख्वाब में जा सकते हैं, किसी के ख्वाब में आप जाके उसके ख्वाब को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा सब्जेक्ट है माइंड साइंसेस का। तो सारी फिल्में आप देखिए, तीन फिल्में मैंने देखी, माइंड से बढ़ रही है। लास्ट ईयर ज्यादा ये था कि इस पे साइको फिल्में आ रही थी, अब शुक्र है उन्होंने साइको खत्म किया। डॉक्टर एम इज इन, हिज मेथड्स आर इन, चाहे वो एयरबेंडर हो फिल्म, चाहे वो सॉसरर्स अप्रेंटिस हो, चाहे अप्रेंटिस हो, ये क्या अप्रेंटिस कह रही हूँ, क्या कहते हैं इंसेप्शन हो, चाहे देखो सॉल्ट में भी कोई ऐसा ही चक्कर होगा। बिल्कुल है। आज से 10 साल पहले बीबीसी ने एक बात कही थी, बीबीसी टेलीविजन एक बात कही थी, नेक्स्ट एरा जो आएगा इट विल नॉट बी ऑफ कंप्यूटर्स, इट विल नॉट बी ऑफ स्पेस, इट विल बी ऑफ माइंड। इस हद तक उसने कहा था कि फिर इंसान को सेल फोन की जरूरत नहीं होगी, आप मेंटल कम्युनिकेशन एक दूसरे से करेंगे। टेस्ट हो रहा है कि जी आप बैठिए, आप जॉब के लिए आए मैनेजर की बताइए चमचा आप बैंड कर सकते ये हम कर रहे हैं ना, फ्राइडे सैटरडे संडे हम इस्लामाबाद में ये चमचा बैंड और आग पे चलने वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप देखें माशाल्लाह, नहीं कौम को जरूरत है, तो मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये मोटिवेशन हिप्नोसिस से आ जाता है, क्योंकि हिप्नोसिस आपको डाइट पे भी मोटिवेट कर सकता है, एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट कर सकता है। मोटिवेशन एक अलग एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट जो आम लोगों को नहीं पता जो हिप्नोसिस कर सकता है वो बड़ी रिमार्केबल है, वो ये है। देखिए, हम इस दुनिया को हकीकत समझते तो हकीकत है दुनिया। अगर मुझे ये बताया जाए कि दुनिया हकीकत नहीं है और मेरा जहन इस मशवरे को कबूल कर ले, तो मेरे लिए दुनिया जो है वो हकीकत नहीं रहेगी। जो मेरे जहन को बताया जाए, ये जो एडवर्टीजमेंट होती है क्या करती है, आपको इन्फ्लुएंस करती है ना। आप फला क्रीम खरीदते हैं, आप फला कपड़े खरीदते हैं, आपको एडवर्टाइज सजेस्ट करती है कि आप ये चीज लें आपके लिए बेहतर है, ट्यून रह जाती है, इमेज रह जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हिप्नोसिस में एक एरा हिप्नोसिस का ऐसा है रिमार्केबल कि जब आप किसी को हिप्नोटाइज करके उसके तहत शऊर में जाते हैं, वहां आप उसके लिए एक दुनिया बना दे, दुनिया इस तरह बना दे कि जी फॉर एग्जांपल रोज रात को जब आप नींद में दाखिल होंगी तो नींद में दाखिल होने के 40 मिनट बाद आप एक थ्रेडमिल पे खड़ी होंगी और आप थ्रेडमिल पे एक घंटा थ्रेडमिल यूज करेंगी और फला फला तारीख तक आपका इतना वेट कम हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब वो शख्स नींद में होगा तो देखिए नींद के अंदर उसकी टांगें नहीं चल रही होगी, उसका बॉडी जो है, इसके लिए एक फिल्म जरूर देखिएगा तमाम नाजरीन से, ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री है द सीक्रेट के नाम। अच्छा बिल्कुल, का ब्रेक है द सीक्रेट के साथ ही। हाँ, द डॉक्टर एम द इरेजर आपको भी और बातें बताएंगे, इरेजर ऑफ बैड हैबिट्स, बैड थॉट्स, बैड लाइफस्टाइल और अच्छी लाइफस्टाइल एंड बैड पीपल इन योर लाइफ एंड गेट रिड ऑफ बैड इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ। जी हाँ, ये हमारा मैसेज है। कॉल्स आप लेंगे ब्रेक के बाद और लेटर इन द शो आज डॉक्टर रवीना और डॉक्टर अमल आए हैं, फैमिली मेडिसिन के बारे में बताएंगे। स्पेशली आज हम बात करेंगे माइग्रेन, स्ट्रेस रिलेटेड माइग्रेन या दूसरा माइग्रेन, डॉक्टर रवीना बताएंगे कुछ और सब कुछ हल बताएं। तो कीप वॉचिंग नादिया खान शो जी, मदर्स डे एंड खैर जिंदगी। स्टेटमेंट नहीं है आप देखिए इशू आती कौन है काला जा गिद्दर सिंह लड़ जाना मुख जाना कोई कहानी बस।
एक चीज रख दी, अजीब लगता है, सांप के मुंह में बहुत सारा पानी डाल दिया किसी ने, कुप्पा हो गया, हो गया। एक बार मुस्कुरा दो जुल्मी, जुल्मी को कहते